हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजेश और आप देख रहे हैं राजेश टेक प्रो। आज मैं फिर से एक न्यू टेक रिलेटेड एक वीडियो लेकर आया हूँ जो कि आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। तो आज का टॉपिक यह है कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में प्ले स्टोर से जा कर के कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। तो मैं आज बताने वाला हूँ, आपका मोबाइल कहीं पर भी रहेगा तो आप अपने डेस्कटॉप से अपने डिवाइस पर कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब ये हुआ, आपका पास इंटरनेट है या नहीं है, लेकिन आपके कहीं पर भी ऐसा जगह पे है वहाँ पर आपके डेस्कटॉप पर इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप उधर से ही ऑटोमेटिकली आपका एंड्रॉयड डिवाइस पर वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि आप अपने कोई भी डेस्कटॉप लैपटॉप हो, उस उधर से रिडायरेक्ट करके डायरेक्टली आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस पर आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये कैसे किया जाए, तो इसी टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ। ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा, और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन क्लिक कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ऐसा ही टेक रिलेटेड हर एक दिन एक नई वीडियो पाने के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो मिल नहीं देख सकते, मैं आ चुका हूँ अपने डेस्कटॉप पर। तो सबसे पहले कोई भी ब्राउज़र अपने ऑन कर लीजिए। ऑन करने के बाद आपको google.com सर्च करना है। जैसे कि देख सकते हैं, मैं google.com सर्च कर चुका हूँ और सिंपली आपको साइन इन करना है वो ईमेल से जो आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर साइन इन किए होंगे। तो मैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर ये जो मेरा ईमेल है इसी से मैं लॉगिन किया हूँ। तो देख सकते हैं मैं इसे लॉगिन कर रहा हूँ। तो मैं अपना इधर पासवर्ड दे देता हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट करके ये साइन इन कर लेता हूँ। और तब उसके बाद आपको जाना है, सिंपली देख सकते हैं मैं इधर से साइन इन हो चुका हूँ। तो आपको सिंपली जाना है अपने प्ले स्टोर पे, जो कि इधर से play.google.com जैसे कि मैं इंटर कर चुका हूँ, देख सकते हैं आप। तो इसे सिंपल करने इंटर करने के बाद आपको सर्च आ जाएगा, आप गूगल प्ले स्टोर खुल जाएगा अपने डेस्कटॉप पर। तो इधर से आप कोई भी एप्लीकेशन जो है, तो मैं आपको इंटरफेस दिखा दूँ मेरा मोबाइल पर क्या क्या होने वाला है। मैं इधर से जो भी करूँगा तो वो मेरे मोबाइल पर क्या क्या शो होगा, तो आप देख सकते हैं मेरा मोबाइल पर क्या क्या शो होने वाला है। तो जैसे कि मैं फ़ोटो एडिटर जो एप्लीकेशन है एक, उसे मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ। जैसे कि देख सकते हैं मैं ऑलरेडी आई थिंक मैं इसे इंस्टॉल कर चुका हूँ। जैसे कि चलिए देख लेते हैं, चलिए ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं एक बार और देख लेता हूँ कि है कि नहीं। तो इधर से मैं इंस्टॉल क्लिक करता हूँ, उसके बाद इधर आपको एंड्रॉयड चूज़ करना है। अगर एक दो ठो एप्लीकेशन, मतलब ये हो गया कि साइन इन करने कर लेंगे, हो गया अपने दो ठो तीन ठो मोबाइल में, तो अपने हिसाब से इधर से एंड्रॉयड जो है वो चूज़ करना पड़ता है, उसके बाद इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे कि ये मेरा एप्लीकेशन जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं दूसरा, चलिए पिकार्ट जो कि इंस्टॉल नहीं है, इधर इंस्टॉल शो हो रहा है। तो सिंपली देख सकते हैं इंस्टॉल पर मैं क्लिक कर चुका हूँ और इधर से मैं अपना डिवाइस चूज़ कर लेता हूँ, जो कि सिंगल डिवाइस पर ही लॉगिन है J7 पर। तो इधर से मैं ओके कर देता हूँ, जो कि ऑलो बोल रहा है। तो आप मेरा जो एंड्रॉयड डिवाइस है उस पर देखे होंगे कि, चलिए मैं अब अपने एंड्रॉयड डिवाइस पर है वो मैं दिखा देता हूँ कि उधर क्या शो हो रहा है। तो जैसे कि देख सकते हैं वो फ़ोटो एडिटर था वो इंस्टॉल हो रहा है नीचे, ऑलरेडी नहीं हुआ था। तो देख सकते हैं नीचे इंस्टॉल हो रहा है, और अब ये इंस्टॉल होने के बाद अब पिकार्ट्स भी इंस्टॉल होने पर आ जाएगा, जैसे कि देख पाएंगे आप इधर से। तो ये इंस्टॉल हो चुका है, अब दूसरे आ गया पिकार्ट्स। जैसे कि मेरे एंड्रॉयड डिवाइस पर देखिए पिकार्ट्स ऑटोमेटिकली इंस्टॉल ये होने लगा है, जो कि मैं अपने डेस्कटॉप से कर रहा हूँ। तो चलिए मैं एक दो ठो और इंस्टॉल करके बता दूँ। तो जैसे कि बैकग्राउंड इरेजर जो है एप्लीकेशन, इसे भी इंस्टॉल करके मैं आपको दिखा दूँ कि ये भी काम करता है। तो चलिए मैं सेम मेथड फॉलो करता हूँ, अपने एंड्रॉयड डिवाइस पर चूज़ करने के बाद ओके इंस्टॉल करता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद ओके, ओके करने के बाद ये ऑटोमेटिकली अभी जो मेरे जो मोबाइल पर है वो देख सकते हैं पिकार्ट्स इंस्टॉल हो रहा है। तो उससे होने के बाद आपका जो नेक्स्ट एप्लीकेशन जो मैं बैकग्राउंड इरेजर जो है वो मैं इंस्टॉल किया हूँ, तो ये इंस्टॉल होने के बाद ऑटोमेटिकली वो इंस्टॉल होने लगेगा। जैसे कि देख सकते हैं जो डेस्कटॉप पर क्या क्या अपनी अपने एप्लीकेशन पर जो एंड्रॉयड डिवाइस पर क्या क्या इंस्टॉल है सभी आप इधर से देख सकते हैं। तो जैसे कि देखिए मेरे डिवाइस पर क्या क्या इंस्टॉल है, क्या क्या नहीं इंस्टॉल है, सभी फ़ीचर अपने डेस्कटॉप से ही भी देख सकते हैं। तो जैसे कि अपने एंड्रॉयड डिवाइस पर देखिए वो जो पिकार्ट्स है वो इंस्टॉल हो चुका है, बैकग्राउंड जो इरेजर में डाउनलोड कर रहा था वो भी इंस्टॉल हो चुका है, जैसे कि देख सकते हैं वो इंस्टॉलिंग हो रहा है। तो चलिए मैं एक ठो और एप्लीकेशन पर जाता हूँ और वो भी इंस्टॉल करके बताता हूँ कि वो भी होता है कि नहीं। तो चलिए मैं फिंग एप्लीकेशन जो है वो मैं सर्च कर लेता हूँ, सिंपली देख सकते हैं इधर से। मैं कुछ आपको दिखा दूँ कि जितना भी इंस्टॉल किया हुआ एप्लीकेशन है वो सारे आ चुका है। तो जैसे कि देख सकते हैं फिंग एप्लीकेशन है वो मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो मैं ऑलरेडी इसे इंस्टॉल किया हुआ था, अन इंस्टॉल किया हुआ था इधर से, इसीलिए ऐसा दिखा रहा है। तो सिंपली मैं इसे भी इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं मेरा जो एंड्रॉयड डिवाइस है उस पर भी फिंग एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल हो रहा है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में।